चांदपुर में उपजिलाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांव रायपुर खादर, खानपुर खादर, सुजातपुर खादर, दतियाना का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा ग्रामवासियों को सचेत किया गया कि वह पानी से प्रभावित क्षेत्र में न जाएं। अपने बच्चों को भी समझाएं कि कोई भी बच्चा गंगा नदी के पानी में नहाने या तैरने न जाए। गंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है तथा नदी अपने निर्धारित जल स्तर से ज्यादा बह रही है। उपजिलाधिकारी चांदपुर द्वारा सभी से अपील की गई, सुरक्षित रहे, घर पर रहे। लगातार हो रही वर्षा के कारण और गंगा नदी में जो बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण जो हमारे तटबंध के जितने भी इलाके हैं, जो हमारे गांव है, जैसे रायपुर खादर, सुजातपुर खादर, दतियाना, नारनौर, इन सब का मैंने कल भी दौरा किया था और आज भी दौरा किया है। तो अभी जंगल में पानी आ चुका है, लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है कि कोई भी गंगा नदी की तरफ ना जाए ताकि किसी भी प्रकार की पशु हानि और जनहानि से बचा जा सके। मैं सभी से विनम्र अनुरोध भी करती हूँ मीडिया के माध्यम से कि कोई भी गंगा की तरफ ना जाए। टूटे हुए पुल से बाइकों भी पास की जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो हस्तनापुर का जो पूरा का पूरा पुल है और जो वहाँ की अप्रोच की जो समस्या है वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि वो मवाना तहसील का पार्ट है, मेरठ का है। हमने मेरठ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कल भी बात कर ली थी और आज भी उनसे पत्राचार कर लिया था कि किसी भी प्रकार का जो यात्री वाहन है वहां से ना आए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या या जनहानि से हम बच सकें। धन्यवाद।